असलकुम वेलकम बैक टू माई चैनल कानपुर जायका और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन करी की मज़ेदार सी रेसिपी ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे और अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें प्याज दिख रही है सालन में या स्टू में मसाले की टेस्ट नहीं आया है तो आज वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने बनाया है तो स्टेप बाय स्टेप मेरी तरह से फॉलो करिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए मेरे चैनल कानपुर जायका को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइएगा जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक के पहुँचे अपलोड करते ही तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिसमिल रहीम तो यहाँ करीब मैंने 700 ग्राम चिकन लिया था इसको अच्छी तरह से धो लिया था और चार मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट लेना है अब हम कुछ मसाले देख लेते हैं यहाँ होल स्पाइसेस लिया एक बड़ी इलायची चार लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा है तो आप इसे चाहे तो पीस भी सकते हैं यहाँ साबुत लिया है कुछ काली मिर्च लिया है और दो छोटी इलायची लिया है तो अब दूसरा मसाला रेडी कर लेते हैं तो यहाँ तीन बड़े चम्मच दही लिया है और दो बड़े चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं इसको साइड कर लेते हैं और अब एक दूसरा मसाला हम तैयार करते हैं जिसमें हमने नमक लिया है टेस्ट के ले यहाँ पर मैंने वन एंड हाफ़ टी स्पून नमक लिया है हाफ़ टी स्पून नमक हम अदरक लहसुन और दही के पेस्ट में ऐड कर देंगे और हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है टू टी स्पून लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें और धनिया पाउडर लिया है तीन टी वी स्पून अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना के इसको साइड कर देंगे अब हम चिकन की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे मैंने दो बड़े चम्मच ऑयल लिया है पैन में और जो हमने अदरक लहसुन दही और नमक का जो पेस्ट लिया था वो ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से एक से दो मिनट भून लेंगे भूनने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे चिकन को फ्राई करना है चिकन का कलर चेंज हो जाए बस हमें इतना करना है तो ये देखिए चिकन हमारा वाइट हो चुका है और चिकन में जो कुछ भी पानी रहता है वो इस फ्राई करने के स्टेप से हमारा कच्चापन भी निकल जाता है अदरक लहसुन का भी और चिकन का भी तो अब हम दूसरा बड़ा बर्तन ले लेते हैं इसमें हम चिकन को पकाएंगे तो यहाँ पे मैंने बड़ा पतीला ले लिया है और इसमें मैं तीन बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल सरसों का ऑयल लिया है आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं तेल अच्छा जब गर्म हो जाए तब हम यहाँ पर अपनी प्याज ऐड कर देंगे और प्याज़ को हमें ब्राउन लाइट ब्राउन तक के फ्राई कर लेना है तो ये देखिए बस परफेक्ट कलर आ चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे तो प्याज़ हमारी जब ठंडी हो जाए तब हम इसको पेस्ट बना लेंगे तो हमने इसको मिक्सर जार में डाल के पेस्ट बना लिया है और हम उसी पतीले में जो हमने होल स्पाइसेस लिया था वो ऐड कर देंगे और धनिया नमक और लाल मिर्च पाउडर का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे तो धनिया को हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि धनिया का भी कच्चापन निकल जाए तो एक से दो मिनट लगेंगे भूनने में और ये देखिए हमारी अच्छी तरह से मसाला भुन चुका है अब हमने ये जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे तो धनिया और प्याज को हम फिर से एक से दो मिनट तक भूनेंगे अब ये जो हमारा चिकन स्टीव था जो हमने रेडी करा था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे तो बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और मज़ेदार से चिकन करी की रेसिपी आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा तो ये देखिए अब हम इसमें मिक्स कर चुके हैं तो जब हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे तो अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम में तकरीबन आधा घंटा तक के पकाएंगे और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पानी खुद ही चिकन में होता है वो और अपने आप गल जाएगा तो हम हम इसे लिड बंद करके हाफ आर तक के छोड़ देंगे आधे घंटे के बाद हम इसे चेक करते हैं तो हमारे चिकन के पीसेस सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है तो हम इसे नीचे से तरफ चला लेंगे और इसमें होममेड गरम मसाला ऐड कर देंगे इसकी वीडियो पहले से दी गई हुई चैनल पे आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और सालन के लिए हम इसमें पानी ऐड कर देंगे आप अपने हिसाब से पानी ऐड करिए और बाद में हम कुछ इसमें केवड़ा वाटर ऐड करेंगे गुलाब जल अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर दें इससे ज़ायका बहुत ही अच्छा आता है खुशबू भी तो हमारा चिकन करी रेडी हो गई है आप इसे गर्मा गर्म रोटी चपाती या बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें बहुत ही मज़े का लगता है अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए मेरे चैनल कानपुर जायका से जुड़िए कानपुर जायका को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें आने वाले वीडियो तक के अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा